तो आप जबरदस्ती किसी के सर के ऊपर झंडा थमाना चाहते हैं, दैट इज नेवर पॉसिबल। आपके पुलिस स्टेशन पे तिरंगा नहीं है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में तिरंगा नहीं है, आपकी पंचायत में तिरंगा नहीं है, आपके डिविजनल ऑफिस में तिरंगा नहीं है, आपके मेन चौकों पे तिरंगा नहीं है, तो आप कहां पे आप लोगों के घर घर में झंडा लगाएंगे? झंडा लगाना है तो दिल से लगाना है। आप एक कंपेन शुरू करिए, आप ये ना करिए कि हमने लगवाना है, आप ये कंपेन शुरू करिए, यहाँ झंडे की दुकान खोलिए आप लाल चौक में, फिर उसकी सेल देखिए कितने लाखों लोग उसको झंडे को लेके जाएंगे। आज बोलने पे मजबूर हूँ कि अवतार सिंह एक ऐसा हीरा है जिसको कोई भी लूज करना नहीं चाहता है। जबरदस्ती आके दोष लगा के कोई पुलिस वाले को साथ लेके कि भाई आपको झंडा लगाना होगा, और मुझे लगता है कि अवतार सिंह एक वाहिद आदमी होगा जो उसको रिजेक्ट करेगा। ये सारी दुनिया जानती है, सारा जम्मू कश्मीर जानता है अवतार सिंह। मैं आज बोलने पे मजबूर हूँ कि अवतार सिंह एक ऐसा हीरा है जिसको कोई भी लूज करना नहीं चाहता है, ये आप मान के चलो। जिस दिन अवतार सिंह अपनी पार्टी से निकला है, मुझे लगता है लीडरान ने रोया होगा, और जिस तरीके से मेरे को फोन आए दाएं से बाएं से, उनके छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता से, एक दिन में रिजाइन हुआ, मेरी फैमिली तक को नहीं पता हुआ। मैं खुदारी से काम करता हूँ, मैं सियासत करूँ, नौकरी करूँ या अपने घर का काम करूँ, मेरा काम खुदारी से और नेक नीति से हुआ। जब मैंने देखा कि आप अपनी पार्टी का त्राल के प्रति कोई भी सिंसियरिटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चंद सीटों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वही एक वजह है कि मैंने लगा कि अवतार सिंह अगर आपने काम करना है तो क्यों ना फिर आजादाना तौर आप खुद करें। वो आने वाले समय में उनको पता चलेगा कि अवतार सिंह के जाने से उनको कितना बड़ा धचका लगा हुआ है, और अवतार सिंह की एक अपनी साख है। हमने अपनी पार्टी से निकलने के लिए कोई किसी को बदला नहीं लिया, और ना ही मुझे बहुत इज्जत और सम्मान वहाँ पे मिला। अवतार सिंह अगर निकला, अवतार सिंह सिर्फ अपनी खुददारी के लिए निकला, अपनी साख को बचाने के लिए निकला, और अपने उस जो उसका एक मिशन है कि अगर हमने आज़ादाना तौर हमने अगर लड़ना है तो उस लिए निकला। मैं किसी को नाराज़ करके या किसी को खुश करके अपनी पार्टी से नहीं निकला। तालिब हुसैन के ऊपर मैं तो साफ सुथरे तरीके से ये कहना चाहूँगा कि एक मिलिटेंट, एक सबवर्सिव एक्टिविस्ट या कोई देश दुश्मन जो अंसर है, उसका काम एक ही होता है कि वो सबवर्सिव एक्टिविटी कैसे करे, और वो ऐसे हरबे हर जगह इस्तेमाल कर चुके हैं और ये उनका एक नया हरबा था। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि उन्होंने ऑनलाइन मेंबरशिप करके दुनिया को दिखाया कि हमारे साथ 14 लाख 15 लाख जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन मेंबरशिप करते हैं, आप बिल्कुल आपकी शिनाख्त, आपका नाम दाम कहीं पूछा नहीं जाता है, एक मिस कॉल करके आप उनके मेंबर बन जाते हैं। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा लैप्स है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, ये एक नसीहत है। मेंबर को एनरोल करने का मतलब है कि उसका छाछा पीछा आपको पता होना चाहिए, उसकी तमाम हिस्ट्री होनी चाहिए, और फिर खासकर जब एक कार्यकर्ता को आप इतना बड़ा ओहदा देते हैं, इतना बड़ा ओहदा देते हैं, और बगैर ये जाने कि भाई वो उसकी वायरबाउट्स क्या हैं, वो रहता कहाँ है, वो है क्या, वो इंसान है, वो हैवान है, वो मिलिटेंट है या अजनबी है, ये चीज़ें इंश्योर करना पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रविंदर रैना जी का सवाल है, वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ का पता नहीं है, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी का भी ये बहुत बड़ा लैप्स है। अगर एक जिम्मेवार उनकी अपनी पार्टी छोड़ी भारतीय जनता पार्टी का मनाटी मोर्चे का स्टेट का प्रेसिडेंट, एक बहुत बड़ा रुतबा होता है, एक बहुत बड़ा उनका एक कैडर में एक बहुत बड़ी उनकी जगह है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो आर्डर निकाला है तो उसमें हमारी कोई इसमें कोई पता नहीं है, या इसका कोई प्रेस रिलीज नहीं निकला। तो कहने का मतलब है इन चीज़ों को उनका संज्ञान लेना चाहिए। वो खुशनसीब हैं कि वो बच गई सारी चीज़ों से। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, और उनको अपने कैडर को जोड़ने के लिए, अपने कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए उसकी तमाम हिस्ट्री जानना बहुत लाजमी, और ख़ासकर जब आप उसको ओहदा देते हैं। योताई म्योन पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का सवाल साफ शफाफ तरीके से, और खुदा को हाजिर नाजिर जान के हमेशा मैं बात करता रहता हूँ।
अवतार सिंह, अगर मिस्टर अवतार सिंह आज बना है, वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ के बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रहा। और ये सीधी बात है, जहाँ से आप शुरुआत करते हैं, जो बेसिक स्कूल आपका होता है वो आपको बहुत प्यारा होता है। आप कल को कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन जहाँ आपकी प्राइमरी एजुकेशन हुई होती है वो अगर आपको बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब आदमी उस प्राइमरी स्कूल से बड़ा होता है, वो देखता है कि उस घर में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर हमारी कश्मीर की जनता के लिए, और उससे बढ़कर अगर हमारी कश्मीर की सिख माइनॉरिटी को देखकर अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कोई वादा बंद होती हैं, कोई बिल्कुल जो आए दिन उनके आज नए प्रोग्राम होते हैं, कभी तिरंगा झंडा हो, कभी घर घर ये हो, कभी घर घर वो हो, तो ये सारी चीज़ों को देख के अगर वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत हताहत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी, 370 तोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी कि ठीक है भाई, उन्होंने अगर ये एक स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को हटाया, अगर उन्होंने उनको हिंदुस्तान के साथ हमारे जम्मू कश्मीर को मिलाया, और मुझे लगता है वो कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं इसकी डेवलपमेंट में, यहाँ के लोगों को मरहम देने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आए दिन जो हमने देखा कि आए दिन कोई ना कोई यहाँ वो चंगेज़ खानी जो कानून आते हैं, तो उन कानूनों की बदौलत यहाँ लोग बहुत खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से। खासकर मैं अपने त्राल की बात करूं, त्राल अगर वो चाहते हैं, त्राल की सीट को अगर चाहते हैं, या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को अपने कैडर को बढ़ाना चाहती है, कोई सीटें चार लेना चाहती है, उनको प्रो जम्मू कश्मीर स्लोगन्स के साथ शुरू करना होगा। उन्होंने कश्मीर के दुख और दर्द को देखना होगा, उन्होंने कश्मीर के जख्मों को, कश्मीरियों के जख्मों को नमक छिड़कने के बजाय उस पर मरहम लगाना होगा। अगर वो सारी चीज़ें हमारी मानी जाती हैं तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। यस जरूर भाई, अपनी पार्टी का जहां तक सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से निकल गया था, मैंने सिर्फ यही बोला था कि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, और मैं जब भी जाऊँगा एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी में जाऊँगा, और मैं क्योंकि यहाँ की रीजनल पार्टीज ने बहुत ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को पहुँचा, मैं तो कहना चाहूँगा, कहते कहते सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते, मुझे लगता है मैं क्यों डरूंगा। अवतार सिंह एक 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 शख्सियत है, बताइए। मैं तो कह ही रहा हूँ आपको भाई, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते। अल्ताफ बुखारी साहब ने अगर पीडीपी या बाकी पार्टियों से वहाँ के नारा कशी करके एक देशभक्ति का नारा अलाप के जम्मू कश्मीर को साथ लेके जाने की बात की थी, तो वो लोगों ने दूर दूर तक जो प्रो नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने अप्रिशिएट किया था। लेकिन आए दिन आप देख लो, पिछले दो साल के बाद आज फिर अल्ताफ बुखारी साहब की पॉलिटिकल पार्टी भी वही राग अलापने लगी है जो यहाँ की लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, और मुझे लगता है कि ये जो ड्यूअल पॉलिसीज़ हैं ये चलती नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को एक स्टैंड पे रहना चाहिए, चाहे उसमें आपको कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, आपको कितनी भी कमजोरियाँ आएँ। तो अवतार सिंह का भी वही मिजाज है, मैं एक प्रो नेशनलिस्ट आदमी हूँ, मैं एक प्रो इंडियन आदमी हूँ, मुझे लोग क्या कहें, मैं कश्मीरी ज़रूर हूँ, कश्मीर हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान एक प्रो नेशनलिस्ट कंट्री है, मैं उसका एक अंग हूँ, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते जम्मू कश्मीर में अपना हम ये कामकाज और जो हमारे इलेक्शन है उनको चलाएंगे। का आलम है, मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, अवतार सिंह और जम्मू व कश्मीर, मैं यही कह रहा हूँ, अवतार सिंह उस तहरीक के साथ होगा जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, पापाजाई के लिए, खुशहाली के लिए और पीस के लिए काम करेगा। तो कहने का मकसद जो आप तिरंगे की आप बात कर रहे हैं, मैं सही बात है, इस बात पे मैं बोलना ही चाहता था कि आप आ गए हमारे पास। जम्मू कश्मीर को एक साइड से हम कहते हैं कि दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड आई बिलीव इट, दिस इज माई कन्विक्शन कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आपने 370 भी तोड़ा है, 35A को भी तोड़ा है, अब 3 साल से 6 साल से 7 साल से आप यहाँ की चुनी हुई सरकार भी आप नहीं दे रहे हैं,
तो तिरंगे का कंपेन अगर उठाता तो मुझे लगता था कि दिल्ली से अगर ये कंपेन होना चाहिए था, क्योंकि जो एलिनेशन या एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स हैं वो आप जम्मू कश्मीर में कम और सारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा दिखता है। इसलिए तिरंगा हर घर में, तिरंगा तिरंगा हमारे दिल में हो, तिरंगा हमारे जुबान पे हो, तिरंगा हमारे मिजाज में हो, उस तिरंगे को लहराने के लिए आप डर और खौफ लेके हमको गन भी बोलेंगे हाथ में लगने के लिए, हम वो भी रख लेंगे, लेकिन तिरंगे का कंपेन अगर शुरू हुआ है ये दिल्ली से होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का एक एक शहरी हिंदुस्तानी है, तो अब कोई उनसे वो लिख के ले ले तो मुझे लगता है कि उनको अपने लोगों पर शक है, और उस शक को दूर करने के लिए ऐसी क्रम आते हैं और ऐसे तजुर्बे करने की हिंदुस्तान की सरकार को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर अगर वो अपना समझते हैं, जो हिंदुस्तान में पॉलिसीज़ हैं, जो जम्मू में पॉलिसीज़ हैं, जो दिल्ली में पॉलिसीज़ हैं, वही पॉलिसी हमारे जम्मू कश्मीर भी चले। नहीं लगाएंगे, मैं दिल से लगाना चाहूँगा, दिल से लगाऊँगा, ज़रूर लगाऊँगा, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आके दोष लगा के कोई पुलिस वाले को साथ लेके कि भाई आपको झंडा लगाना होगा, और मुझे लगता है कि अवतार सिंह एक वाहिद आदमी होगा जो उसको रिजेक्ट करेगा। मैं झंडा लगाऊंगा, अपने कन्विक्शन से लगाऊंगा, अपने दिल से लगाऊंगा, लेकिन अगर सरकारों को झंडे यहाँ घर घर में लगाने हैं, पहले वो अपने ऑफिस में लगाएं, छोटे छोटे ऑफिस, आपके पुलिस स्टेशन पे तिरंगा नहीं है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में तिरंगा नहीं है, आपकी पंचायत में तिरंगा नहीं है, आपके डिविजनल ऑफिस में तिरंगा नहीं है, आपके मेन चौकों पे तिरंगा नहीं है, तो आप कहाँ पे आप लोगों के घर घर में झंडा लगाएंगे। झंडा लगाना है तो दिल से लगाना है, आप एक कंपेन शुरू करिए, आप ये ना करिए कि हमने लगवाना है, आप ये कंपेन शुरू करिए, यहाँ झंडे की दुकान खोलिए आप लाल चौक में, फिर उसकी सेल देखिए कितने लाखों लोग उसको झंडे को लेके जाएंगे, तो आप जबरदस्ती किसी के सर के ऊपर झंडा थमाना चाहते हैं, दैट इज नेवर पॉसिबल।